अभी तक तो हमने बच्चों के लिए बात करी, कैसे तैयारी करें, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। अब एक इसका दूसरा सिरा पेरेंट्स भी हैं, पेरेंट्स की क्या भूमिका होती है। और कई बार ऐसी सिचुएशन है कि बच्चा बात मानता भी नहीं है पेरेंट्स की। जब बच्चा आपकी बात नहीं मानता तो हमारी क्या रिस्पॉन्स होनी चाहिए, यही आज का टॉपिक है। इसको दो हिस्सों में बांट लेते हैं। एक तो बच्चा 10 साल की उम्र तक का है या फिर 13-14 साल का, 5 से 10 तक का या 13-14 का, क्योंकि उसके बाद 15 साल से ज्यादा उम्र होने के बाद बच्चे को कोई नई चीज नहीं सिखाई जा सकती है। उसके बाद वो अपने पीयर ग्रुप से सीखता है या जो सीख लिया उसी को काम में लेता है, तो दोस्ताना व्यवहार शुरू हो जाना चाहिए उसके बाद। अब पेरेंट के तौर पर आपकी दो भूमिकाएं होती हैं, इनको अलग कर लेते हैं। एक तो बच्चे को प्यार करना और उसकी जरूरतें पूरी करना, दूसरे उसे ऐसी चीजें सिखाना जो उसके भविष्य के लिए जरूरी हैं। यानी आप बच्चे के कोच भी हैं, उसको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं आप लाइफ के लिए। आपका प्यार हासिल करना और जरूरतें पूरी करवाना, बच्चा समझता भी है, उसे अच्छा लगता है। लेकिन दूसरा हिस्सा बच्चा नहीं समझता, केवल आप समझते हैं कि भविष्य में उसे किन किन चुनौतियों का सामना करना है, वो खाका आपके दिमाग में है। वह नहीं जानता कि बेहिसाब जरूरतें किसी की भी पूरी नहीं हुआ करती, कितना ही बड़ा पावरफुल आदमी क्यों ना हो। उसे यह भी नहीं पता कि स्वादिष्ट लगने वाला जंक फूड 20 साल की उम्र में दवाइयां शुरू करवा देगा, ये तो आप ही जानते हैं ना। अब एक तो ये हो सकता है कि बच्चा अपनी जिद पूरी करवाना चाहता हो और हर बार पूरी करवाना चाहता हो, कंसेशन भी नहीं है उसमें। यहां पर आपको सख्त होने की जरूरत है। यदि बच्चे की मांग गैर वाजिब है तो आपको उसे सिरे से नकार देना ही उसके हित में है। होता यह है कि ऐसा करने पर बच्चे उत्पात मचाना शुरू कर देते हैं और आपके धैर्य की परीक्षा लेते हैं। पेरेंट भी कई बार गुस्सा कर देते हैं, वापस पिटाई विटाई कर देते हैं, तो वो तो ऑप्शन नहीं है, क्योंकि गुस्सा करना तो आसान है, तो कोई भी कर ले, धैर्य रखना मुश्किल है। इसी में प्रैक्टिस है। जब हम बच्चे से उम्मीद कर रहे हैं कि वो कुछ नई चीजें सीखे, तो पेरेंट्स से भी तो उम्मीद करें ना। आपको सिर्फ इग्नोर करना है, अवहेलना करनी है, बहरे बनना है, आप पे कोई असर नहीं होना चाहिए, क्योंकि समझा कितना ही लो, तर्क से बच्चा नहीं मानने वाला। इसलिए अंतिम सीमा तक आपको डटे रहना है। कई बार बच्चे नुकसान भी करने लगते हैं, लेकिन आप नहीं मानेंगे तो बच्चे को एक बात समझ में आ जाएगी कि अगर पेरेंट्स ने ना कह दिया तो इसके बाद कोई संभावना नहीं है। यही आपकी तरफ से सबक है। एक बात आपको जरूर ध्यान रखनी है कि 24 घंटे टोका टाकी करना ठीक नहीं है। हर समय बच्चा खाना खा रहा है तो उसको कुछ चेतावनी दे रहे हो, बच्चा ट्यूशन पढ़ के आया उसे कुछ भाषण दे रहे हैं, बच्चा स्कूल जा रहा है उस तब कुछ बोल रहे हैं, कोई रिश्तेदार बैठा उसके सामने कुछ बोल रहे हैं। आप पढ़ने के लिए कह सकते हैं, ठीक है, हर माँ बाप कहता है, लेकिन बच्चा नहीं माने तो अपनी बात मनवाने का आग्रह नहीं होना चाहिए। ऐसे में हम किसी ऐसे इंसान की सहायता ले सकते हैं जिसकी बात बच्चा सुनता है, वो कई बार टीचर भी होता है, उसका करीबी दोस्त भी होता है, या परिवार के किसी सदस्य की बात भी बच्चा मानता है, उस रूप से आप पकड़ सकते हैं। लेकिन सीधे टीवी बंद कर देना या कोई इस तरह की बात करना वो उचित नहीं है। अब लंबी बात को छोटा करते हुए आखिर में मैं आपको भगवान कृष्ण की एक युक्ति याद दिलाता हूं कि 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में जब गीता उन्होंने सुना दी, अर्जुन को सारी बातें बता दी, तो आखिर में एक बात जोड़ी, तो श्लोक इस प्रकार से है, इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्य तर्म वया
विमृश्य एतत् शेषेण यथेच्छसी तथा कुरु। यानी कि इस प्रकार ये गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया, अब तू इस रहस्ययुक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर जैसे चाहता है वैसे ही कर। यानी द मोस्ट सीक्रेट नॉलेज आई हैव टोल्ड अन टू यू, नाउ थिंक इट ओवर एंड इट इज अप टू यू व्हाट टू डिसाइड फाइनली। उन्होंने भी अर्जुन पे छोड़ दिया कि आगे तेरी मर्जी है, कहीं भी उन्होंने नहीं करा युद्ध करना पड़ेगा, बता दिया कि परिणाम ये है। तो माता पिता, अध्यापक और दूसरे जो लोग परिवार के करीब होते हैं उनकी इतनी सी भूमिका है सलाह देना। तुरंत हो सकता आपको इसका असर ना लगे, लेकिन इस तरह के व्यवहार को बच्चा बहुत पसंद करता है।